सब गाइस, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल JJFF गेमर्स में। सो गाइस, आपका भाई लेके आ चुका है आपके लिए एक और नई स्टोरी जिसका नाम है औकात। और गाइस, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि वीडियो बनाने में लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम, तो फिर प्लीज़ कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जितना हो सके वीडियो को कीजिए शेयर, ताकि आपके भाई की वीडियो औरों के पास पहुँच सके और आपका भाई आपके लिए कुछ अच्छी और वीडियो ला सके। थैंक यू गाइस, वीडियो को एंजॉय कीजिए। वाह यार आयुष, इस बार की फसल तो काफ़ी ज़ोरदार है। हाँ जयज भाई, इस बार मौसम ने भी खूब साथ दिया हमारा। हाँ आयुष, बात तो तुम्हारी सही है। अरे आयुष भाई, जरा जाके देखो तो किसका कॉल आ रहा है। हाँ भाई, अभी जाकर देखता हूँ, एक मिनट रुको। पता नहीं यार किसका कॉल आ रहा है, पर सच में यार क्या जोरदार फसल आई है इस बार, तो दिल खुश हो जा रहा है ये नज़ारा देखकर। वाह क्या जोरदार फसल है। अरे भैया तनिक सुनो, तुम्हारी जीअब कॉल कर रही है। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे हाँ जयज भाई, वो तो गजब आग बबूला हुई बैठी है। मन ने तो वो गजब गुस्से में लाग रही थी, लगता है इस बार आपकी खैर नहीं जयज भाई। हाँ यार आयुष, उसने मुझे मिलने बुलाया था और मैं भूल गया, अब तो मुझे गजब की गाली पड़ने वाली है। तभी ना कह रहा हूँ, जल्दी जाइए जयज भाई, वरना गाली के साथ मार भी खानी पड़ेगी। हाँ ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, तू खेत का काम पूरा कर देना, मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये सब मैं संभाल लूंगा जयज भाई। हाँ ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। आज तो अंदर से आवाज आ रही है गजब की गाली पड़ने वाली है। अरे हाँ वो रही, वहां खड़ी है वो, चलो चलकर उसे मनाता हूँ। हाय सोनाली, आज तुम बहुत जल्दी आ गई। अच्छा ये बात है, मैं जल्दी आ गई कि तुम लेट से आ रहे हो? कहाँ थे इतने देर से, क्यों आने में लेट हो गया? कहाँ थे तुम, कब से वेट कर रही थी मैं तुम्हारे यहाँ। अरे यार बात तो सुनो, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? खेत में थोड़ी जरूरी काम आ गई थी यार, तो बस वहीं फंस गया था, इतना गुस्सा मत करो। जिंदगी भर बस क्या खेत में ही काम करते रहोगे? कभी जिंदगी में कोई बड़ा काम करोगे कि नहीं यार जैस तुम? करूंगा ना यार सोनाली, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? बस ये खेत का काम एक बार सेटल हो जाए फिर सब कुछ सेट कर दूंगा। तुम एक गाड़ी तो ले नहीं सकते, बड़ा काम क्या खाक करोगे? यार सोनाली कम से कम ताना तो मत मारो यार, बस थोड़ा सा और वेट कर लो यार। और कितना वेट करूं मैं जज, पिछले 6 महीने से वेट ही तो कर रही हूँ, आज तक तुमने एक बार ठीक से शॉपिंग तक नहीं कराई है मुझे। यार अभी मेरे हालात ठीक नहीं है, प्लीज यार थोड़ा समझने की कोशिश करो और ये सब छोड़ो। आई लव यू। भाड़ में गया तुम्हारा आई लव यू, अब जब जेब में पैसे हो ना मेरे खर्चे उठा लेने के लिए, तभी मुझसे मिलना, तभी मुझे अपनी ये शकल दिखाना, वरना आज से बाद मुझे नजर मत आना। यार सोनाली ऐसा तो मत करो, क्या तुम मुझे पैसों के लिए छोड़ दोगी? हाँ छोड़ दूंगी, अगर पैसे नहीं तो कुछ नहीं, सीधा ब्रेकअप होगा हमारा। यार सोनाली ये क्या बोल रही हो तुम? ठीक ही बोल रही हूँ मैं, बाय। यार सोनाली रुक जाओ यार, इतनी सी बात पे कौन ब्रेकअप करता है? यार सोनाली प्लीज रुक जाओ यार, प्लीज रुक जाओ। सोनाली रुको ना यार। क्या है, क्या काम है, बोलो जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है अब तुम्हारे लिए। यार सोनाली तुम एक छोटी सी बात के लिए क्यों लड़ाई कर रही हो यार? पैसे से जरूरी तो प्यार है ना, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोनाली, आई लव यू यार। हाँ बहुत बढ़िया जज, पर एक बात कान खोल के सुन लो, प्यार से नहीं रोटी से पेट भरता है, और रोटी खरीदने के लिए तो पैसे है नहीं तुम्हारे पास। यार सोनाली तुम बेशक शॉपिंग के लिए बोल लो, पर खाने के लिए तो मत बोलो यार, खाना तो मैं तुम्हें पेट भर खिलाता हूँ ना। हाँ जो भी हो, पर आज कान खोल के सुन लो, मैं लास्ट 1 सप्ताह का टाइम दे रही हूँ तुमको, अगर इन 1 सप्ताह में तुम कुछ नहीं कर सके ना, तो फिर कान खोल के सुन लो। हाँ यार बोलो, मैं सुन ही रहा हूँ। अगर इन 1 सप्ताह में तुम कोई बड़ा काम नहीं कर पाए ना, तो हम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म, दोबारा मेरे सामने मत आना। अच्छा ठीक है यार, तुम फिकर मत करो, आने वाले 1 सप्ताह के अंदर मैं कोई बड़ा काम जरूर कर ही लूंगा। हाँ ठीक है, अब जब काम हो जाए ना तभी मिलना, बाय। ठीक है यार सोनाली बाय, अब 1 सप्ते के बाद ही मिलते हैं। पता नहीं यार इसे क्या पैसों का भूत चढ़ गया, जब देखो तब पैसे पैसे, शॉपिंग कराओ ये कराओ, तंग आ गया हूँ यार मैं, पैसे के बिना क्या कुछ नहीं है, जब देखो तब पैसे के लिए रोते रहती है, क्या करूँ मैं इस लड़की का। अरे ये क्या हो रहा है बे, ये तो सोनाली भाभी टाइप दिख रही है। अरे दिख नहीं रही ससुरा, ये तो सोनाली भाभी ही है, पर ये इस लड़के के साथ क्या कर रही है? अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है,
चलो जल्दी से जल्दी जैज भैया को फोन लगाता हूँ। हेलो जैज भैया, तुमका एक बात बताना है। हाँ आयुष बोलो, क्या बात है, क्या हो गया? भैया इधर सोनाली भाभी कुनार दूसरा लड़का के साथ खड़ी है, मन ने तो कुछ गड़बड़ लाग रिया है, आप आ जाओ जल्दी से जल्दी इधर। आयुष तू सच बोल रहा है, वो सच में सोनाली ही है ना? अरे हाँ भैया, अभी इतने बूढ़े ना हुए हम कि भाभी तक को ना पहचानेंगे, ये सोनाली भाभी ही है। अच्छा तो अभी कहाँ पर है तू? भैया मैं फील्ड के सामने वाले ब्लॉक पर हूँ, अब जल्दी से जल्दी आ जाओ यहाँ, मैं फिलहाल तो ब्राजीला जा रहा हूँ। हाँ ठीक है आयुष, तो फिर तू निकल ब्राजीला, मैं आके देख लूंगा। यार अगर आयुष की बात सच निकली ना तो आज तो दिल टूटने वाला है मेरा, पर क्या करूं, देखने जाना तो पड़ेगा ही। आयुष ने तो मुझे फोन पे यही पता बताया था, पर कहाँ है वो? अरे हाँ वो रहे, यार ये तो सच में सोनाली ही है, आज यकीन हो गया कि पैसे के सामने प्यार की कोई औकात नहीं है। सोनाली ने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ, पर कोई बात नहीं, सोनाली से मैं कल बात करूंगा इस बारे में। क्या हुआ जय भैया, आज तो बड़े उदास लग रहे हो आप। हाँ यार आयुष, सोनाली को किसी और लड़के के साथ देखकर बहुत बुरा लग रहा है यार मुझे। हाँ जयज भैया, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सोनाली भाभी ही है, पर जब ध्यान से देखा तो मुझे भी बुरा लगा भैया। हाँ यार आयुष, आज की डेट में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं, पैसे के आगे प्यार की कोई औकात नहीं है यार। सोनाली ने सिर्फ मुझे इसलिए छोड़ दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ भैया, आज तो मुझे भी यकीन हो गया कि पैसे के सामने प्यार की कोई औकात नहीं है, पर आपने सोनाली को कुछ कहा क्यों नहीं? उस टाइम मुझे उसे कुछ बोलने का मन नहीं किया, पर कल मैं सोनाली से मिलने वाला हूँ और इस बारे में उससे जरूर बात करूँगा। हाँ भैया, जम कर क्लास लेना उसका, ऐसे कैसे उसने आपके साथ धोखा कर दिया। हाँ आयुष जरूर, आज मैं सोनाली को सबक सिखा के रहूँगा, उसने मुझे पैसों के लिए ठुकराया है ना, अब रुको। हाय सोनाली। हाय जेस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ना जब तक पैसे का इकट्ठा ना हो जाए तब तक मुझे अपनी शकल मत दिखाना, क्या कर रहे हो यहाँ तुम? वो तो ठीक है सोनाली, पर शायद तुमने मुझे 7 दिन का समय भी दिया था और अभी तो 1 दिन भी नहीं हुआ, तुमने नया बॉयफ्रेंड तक बना लिया। ओह तो तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं तुमसे छुपाऊंगी नहीं, हाँ मैंने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है क्योंकि मुझे पता है तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे, तुम कभी कोई कमाई नहीं कर सकते, गरीब थे गरीब हो और हमेशा गरीब ही रहोगे। ओह तब तो तुमने नया बॉयफ्रेंड बहुत पैसे वाला बनाया होगा। हाँ तुमसे 1000 गुना अमीर है वो, उसके पास खुद की फरारी है, तुम्हारे जैसे पैदल नहीं घूमता वो। ओह तो ये बात है। हाँ और वैसे भी वो थोड़ी देर में मुझसे मिलने आ रहा है तो तुम भी मिल ही लेना उससे, तुमको भी तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। अरे हाँ वो रहा, वो देखो वो आ गया, उसकी फरारी देखो। हाँ देख ही रहा हूँ। हाय सुरेंद्र, इससे मिलो, ये है मेरा एक्स, एक नंबर का भिखारी है, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। क्या भिखारी, ये क्या बोल रही हो सोनाली तुम, तुम्हें पता भी है ये कौन है? हाँ पता है, एक नंबर का भिखारी है ये। सोनाली ये कोई भिखारी नहीं, करोड़पति है, मेरे बॉस है ये फरारी भी इन्हीं की है, इन्हीं के गाड़ी में मैं तुम्हें घुमाता हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ, और तुम इन्हें भिखारी बोल रही हो? ये क्या बकवास कर रहे हो सुरेंद्र, तुम होश में तो हो ना? हाँ सोनाली मैं सच बोल रहा हूँ, ये मेरे बॉस हैं, जैज बॉस, करोड़पति हैं ये, कोई भिखारी नहीं है ये। हाँ तो अब बोलिए मोहतरमा, क्या बोल रही थी आप? मेरी औकात क्या है, देख लो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे बगल खड़ा है, पूछ लो उससे क्या है मेरी औकात। नहीं ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ 6 महीने रह चुकी हूँ, मुझे पता है तुम भिखारी हो, ये सब झूठ है। नहीं सोनाली बात यही सच है, मैं तुम्हें ये सब पहले भी बता सकता था, पर मैंने तुम्हें ये सब नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि। जैज भैया आप उसे बता क्यों नहीं देते कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितने अमीर हैं, अभी दौड़ते हुए आपके पास चले आएगी। नहीं आयुष मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मुझसे प्यार करे ना वो लड़की मुझसे प्यार करे, मेरे पैसों से नहीं, इसलिए मैं उसे नहीं बताऊँगा, अगर मैं उसे बता दिया होता शायद तो आज मुझे उसकी सच्चाई भी पता नहीं चलती, है ना? हाँ जैज भैया बात तो आप सही कह रहे हैं। बहुत औकात की बात करती थी ना सोनाली तुम, अब देख लो खुद की औकात, तुम कहाँ और मैं कहाँ। और हाँ जिंदगी में पैसा मैटर नहीं करता, क्योंकि पैसा आज है तो कल नहीं है, लेकिन प्यार ये हमेशा रहता है, इसलिए सोनाली पहले प्यार करना सीखो,
पैसे तो खुद ब खुद चले आएंगे। मुझे माफ कर दो जैस, मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ कर दो। मैं आज की बार ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, मैं कोई पैसे के पीछे नहीं भागूंगी। जैस मुझे माफ कर दो यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब आप मुझे माफ कर दो मोहतरमा, क्योंकि इस वक्त आप जिस बंदे से बात कर रही हैं वो आपके दिल और औकात दोनों से बाहर है। चलो सुरेन, गाड़ी निकालो, मैं यहाँ बकवास टाइम पास नहीं करूँगा। हाँ जी सर, चलिए। प्लीज जैज मुझे एक मौका दे दो, जैज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सॉरी, तुम जैसी लड़की का मेरे लाइफ में कोई जरूरत ही नहीं है। बाय, चलो सुरेन। सो गाइस, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और गाइस प्लीज़ आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई आपके लिए आगे भी अच्छे से स्टोरी लेके आ सके। गाइस दोबारा मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस।